सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इस वक्त। असल में ये वीडियो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन बयान के बाद लोग पागलों की तरह सड़कों पर उतर पड़े ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ का बजट पास करवाया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। वहीं लोग ट्विटर पर इस बजट का मजाक उड़ाते हुए केरला के चीफ मिनिस्टर से कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने अकेले अपने स्टेट के लिए 20,000 करोड़ का बजट निकलवाया। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित की संख्या 562 बताई जा रही है, वहीं मरने वालों की संख्या 10 बताई जा रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिस बयान के मुताबिक उन्होंने लोगों को घर पर रहने की नसीहत करी है। लेकिन वहीं अगर लोग ये बात को नहीं मानते और रास्तों पे दिखाई देते हैं तो उन्होंने लोगों को शूट एट साइट की धमकी देते हुए कहा कि अगर लोग अभी भी ऑर्डर पास होने के बाद भी बाहर दिखाई देंगे तो वो शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को ग्रोसरी स्टोर में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वहां उनके के नीचे सर्कल बना दिया है, ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि इतनी दूरी कायम रखनी है एक दूसरे से कोई भी सामान खरीदते वक्त। सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब की सरकार ने लोगों के घरों तक ग्रोसरी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इस वायरल वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां की पुलिस ऑफिसर लोगों के घर घर जाकर के ग्रोसरी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने बयान में लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी पूरी कोशिश करेंगे लोगों के घरों तक ग्रोसरी पहुंचाने की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अभी तक 1,000 मामले सामने आ चुके हैं और सऊदी में कोरोना वायरस से पहली मौत हो चुकी है। इस नफसा नफसी के आलम में गरीबों पर काफी बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, 21 दिन के लॉकडाउन के बयान के बाद लोगों का इंटरव्यू लिया गया जो लोग सड़कों पर रहा करते थे। उनके बयान के मुताबिक वो लोग सड़कों पर काफी सालों से जी रहे हैं, उनकी रोज की जो आमदनी है उसी वो अपना पेट पालते हैं, लेकिन अभी उनकी आमदनी रुक चुकी है और 21 दिन तक उनको कोई काम नहीं मिलेगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। बस ट्रेन टैक्सी सब बंद हो जाने की वजह से भी लोग अपने घरों पे नहीं जा पा रहे हैं। गवर्नमेंट बाद में उनकी मदद करेगी, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम दिन में एक बार हम अपने घरों से निकल के ये जरूर देखें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है। कम से कम अगर ये जिम्मेदारी ले लें तो उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना वायरस तो लोगों को बाद में मारेगा, कहीं ऐसा ना हो ये 21 दिन का लॉकडाउन लोगों को पहले भूखमरी से मारे। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।